पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार से दीक्षा भवन के सभागार में किया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि 12 फरवरी को दीक्षा भवन में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सुनील वी देवधर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया और अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख शंकर लाल जी होंगे। उन्होंने बताया कि 12 से 14 फरवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दुनिया भर के ख्यातिलब्ध विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन सतत विकास का व्यवहार्य मार्ग पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तथा 3 दिनों में कुल 42 सत्रों के साथ 12 विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऑनलाइन मोड में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के सभी कॉलेजों के साथ विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को संगोष्ठी से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा तथा 10,000 लोगों को ऑनलाइन रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से जोड़ने का प्रबंध किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, कल से 3 दिवसीय सेमिनार स्टार्ट हो रहा है और उसमें देश विदेश के जितने भी लोग इस दीनदयाल जी पे या उनसे रिलेटेड उस पर कार्य कर रहे हैं सभी उससे जुड़ेंगे। करीब 100 लोग तो आ रहे हैं फिजिकली और 1,000 लोग ऑनलाइन से जुड़ेंगे और 10,000 लोग इसको देखेंगे। उसमें करीब तीन दिवसीय में 5 सेक्टर में और हर सेक्टर में 4 से लेकर 5 सेशन है, तो लगभग 25 से लेके 28 सेशन है टोटल जो कि आयोजित हो रहे हैं और इसमें अलग अलग सेशन में अलग अलग लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अनुरोध है कि सब लोग आप लोग आएँ, इसका लाभ उठाएँ।